जय हिंद, जिंदाबाद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप ये अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट में वैकेंसी आई हुई है, ठीक है दोस्तों। अगर आप एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। तो आज हम चर्चा करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वैकेंसी आई हुई है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के यहाँ पे आपको वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। चलिए बात करते हैं जो वैकेंसी आई है, किस किस पोस्ट पर आई है और किस किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है, इसका ऑनलाइन डेट क्या है, इसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसके सारी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। तो वीडियो को चलिए आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बता दूं, मैं हूं वीके और आप देख रहे हैं इंडियन जॉब एक्सप्रेस 247 यूट्यूब चैनल। तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जॉब से रिलेटेड हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो ऑफिशियली जो नोटिस आया हुआ है उस पर हम आपको डिटेल बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ सबसे ऊपर में देख सकते हैं भारतीय विमान पतन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी तो जो वैकेंसी भी चल रही है, ठीक है। इसी कुछ दिन में उसका ऑनलाइन होने वाला है, उसकी भी आपको हम जानकारी देने वाले हैं। चलिए बात करते हैं इसका जो वैकेंसी है, पहले पोस्ट के बारे में जान लें। टोटल 6 पोस्ट में यहाँ पर निकाला गया है, ठीक है दोस्तों। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सीटें यहाँ पर रखी गई है और कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं देख लीजिएगा, हम मैक्सिमम बताएंगे जितना दिया गया है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट ऑफिस, इसमें जो टोटल पोस्ट है 9 पोस्ट है। आप जिस कैटेगरी में आते हैं देख लीजिए किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, इसमें जो है 9 पोस्ट है टोटल। जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर, इसमें जो है 237 पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। मैक्सिमम लड़के जो है इसी में अप्लाई करते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, इसमें जो है 66 पोस्ट है। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस, इसमें जो है 3 पोस्ट है। जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ, इसमें जो है 18 पोस्ट है, ठीक है। ये पोस्ट के बारे में टोटल 6 पोस्ट में निकली हुई है अलग अलग करके, ठीक है। अलग अलग यहाँ सीटें दिए गई हैं। चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में जानेंगे हम, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, ठीक है। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, तो देख सकते हो सबसे पहला पोस्ट में जो है जूनियर असिस्टेंट का जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेकर तो आप इसे एलिजिबल है अप्लाई करने के, ठीक है। सेकेंड में है सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, इसमें अगर अप्लाई करते हैं तो आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, बीकॉम होना चाहिए। उसके बाद आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इस फील्ड में, ठीक है, फाइनेंशियल के फील्ड में आपका 2 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसको तीसरा में आता है जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर, इसमें जो है एनी ग्रेजुएट, अगर किसी भी सब्जेक्ट से लेके आप ग्रेजुएट आपका कंप्लीट है तब इसे अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है। चौथे में है जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, इसके लिए जो आपको चाहिए क्वालिफिकेशन बीकॉम होना चाहिए विथ ICWA या तो CA या MBA, और 2 साल ड्यूरेशन आपको जो है स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, 2 साल का जो है इसमें आपको नॉलेज होना चाहिए उसका, ठीक है, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और 5वां नंबर में है जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस, इसमें जो आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए बैचलर डिग्री मांगा गया है, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक, इन फायर इंजीनियरिंग, मेडिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, किसी भी आप किए हैं तब से एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, ठीक है दोस्तों। 6 में आता है आप देख सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ, अब बात करते कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो देख सकते हैं एज लिमिट यहाँ पर दिया गया है किस किस कैटेगरी में कितना कितना यहाँ पे एज मांगा गया, ठीक है। जैसे आप देखते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम आपका जो एज होना चाहिए 30 साल होना चाहिए, ठीक है। 4 नौ 2023 को जो आप एज काउंट किया जाएगा इस डेट से। सीनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो एज होना चाहिए मैक्सिमम 30 साल, ठीक है। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए मैक्सिमम 27 साल, ये हो गया नॉर्मल सबके लिए, ठीक है। इसके बाद जिस किस किस कैटेगरी में छूट है वो नीचे यहाँ दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पे एज रिलैक्सेशन, ठीक है। जैसे जो है SC ST के लिए 5 साल का छूट दिया गया है, 3 साल के लिए OBC को छूट दिया गया है, ठीक है। इस तरह से देखते हैं 10 साल का PWD का, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे जिसके छूट की जरूरत मतलब जिस कैटेगरी में दिया गया यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 साल का दिया गया है, 35 साल का दिया गया है, तब जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आप इसे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट डेट्स, जो ऑनलाइन का डेट आपका से शुरू होने वाला लास्ट कब है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं जो ऑनलाइन डेट है 5/8/2023 से शुरू हो जाएगी ऑनलाइन करने के, ठीक है दोस्तों। जैसे ऑनलाइन डेट शुरू होगा आपसे ऑनलाइन करना ना भूलें, बहुत अच्छी जॉब है एयरपोर्ट पे, अगर आप जॉब करते हो तो बहुत ही अच्छी जॉब रहेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो इसका जो लास्ट डेट है 4/9/2023 का लास्ट डेट है, 5/8/23 से शुरू है और 4/9/2023 का लास्ट डेट रहने वाला, ठीक है। उसके बाद आपका जो टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, आपका जो एग्जाम होगा विल बी अनाउंसड ऑन AAI वेबसाइट पर, जो है जिसका जो एग्जाम होगा ऑनलाइन एग्जाम होगा इस वेबसाइट पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसका कुछ अपडेट आता है मैं वीडियो रिपोर्ट कर दूंगा तब तक पहुँच जाएगा, इसके लिए मैं से आप जुड़े रहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद करते हैं देखते हैं पे स्केल के बारे में, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए जो पे स्केल यहाँ पे देख सकते हैं 40,000 से लेके 1,40,000 तक इसका जो पे स्केल रहने वाला है। सीनियर असिस्टेंट के आप देख सकते हैं 36,000 से लेके
1,10,000 तक यहाँ पे इसका पे रहने वाला है। जूनियर असिस्टेंट के लिए देख सकते हैं 31,000 से लेके 92,000 तक यहाँ का पे स्केल रहने वाला है। ठीक है, ये हो गया पे के बारे में। और एक अच्छी बात है दोस्तों, आपका जो इसका एग्जाम होगा ना, तो एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा, ठीक है, ऑनलाइन ही एग्जाम होगा, उसमें आपको क्या, इसमें माइनस मार्किंग नहीं दिया गया। आप यहाँ देख सकते हैं, देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट बाय द कैंडिडेट्स। ठीक है दोस्तों, तो आप उसे रॉन्ग आंसर भी टिक करते हैं तो आपको माइनस मार्किंग नहीं किया जाएगा, सबसे अच्छी बात इसमें ये है। तो इसे ऑनलाइन करना बिल्कुल ही ना छोड़ें दोस्तों, जैसे ऑनलाइन शुरू होता है आप जरूर ऑनलाइन करें। ठीक है, तो बिना माइनस मार्किंग बुलाए एग्जाम आपको मिल रहा है अटेंड करने के लिए, तो अटेंड कीजिए। ठीक है, और अच्छे से पोस्ट भी मिल रहा है आपको, 3-4 पोस्ट है, काफ़ी बड़ी पोस्ट है, अगर आप ऐसे हासिल कर लेते हैं तो आपको आपका लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम शायद नहीं आएगी। ऐसे आप एग्जाम दे सकते हैं। उसका जो सिलेबस है अभी अभी तक नहीं आया है, उसका भी जैसे सिलेबस आता है मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था इसका जो है, कैसे आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं उसके बारे में अगर आपको जानना है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा कि कैसे आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं अपने से ही। ठीक है, तो चैनल से बने रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो आप देख चुके हैं कि माइनस मार्किंग इस एग्जाम में नहीं रहेगा, इसका जो एग्जाम प्रोसेस रहेगा आपको माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो दोस्तों, से जैसे ऑनलाइन शुरू होता है अप्लाई करना ना भूलें। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ डिटेल दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। ठीक है, फोटोग्राफ का साइज़ क्या रहने वाला है, 4.5 सेंटीमीटर × 3.5 सेंटीमीटर फोटो का साइज रहने वाला है, सिग्नेचर क्या कैसे रहेगा, पूरा यहाँ पर डिटेल दिया गया है। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं 1,000 ऑनलाइन फ़ी यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से SC ST PWD कैंडिडेट्स, ठीक है, इनको जो है छूट दिया गया है। तो आप अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जरूर अप्लाई करें। ठीक है दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। और आप यहाँ देख सकते हैं 2023 में कंटिन्यू वैकेंसी वैकेंसी आई आपको मिल रही है। ठीक है, तो आप किसी भी वैकेंसी को आप ऐसे खाली ना छोड़ें, जरूर अटेम्प्ट करें, एक में नहीं हुआ दूसरा में जरूर होगा। ठीक है, तो मेहनत जारी रखिए, एयरपोर्ट का जॉब है आपको बहुत अच्छी प्लेस में जगह पे मिलेगा आपको, क्योंकि एयरपोर्ट पे मिलेगा, एयरपोर्ट पे एकला सिटी में रहता है, तो समझ सकते हैं ये जॉब जो ये जॉब है कितनी अच्छी जॉब रहने वाली है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो जैसे इसका कुछ अपडेट आता है एग्जाम के बारे में, सिलेबस के बारे में, वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं, आपको वहाँ से पता चल जाएगा जैसे कुछ इसका अपडेट आता है। ठीक है, तो मतलब आपको वीडियो मिल जाएगा, तो मतलब अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जैसे कुछ इसका अपडेट वीडियो आता है, अपडेट न्यूज़ कुछ आता है एग्जाम के बारे में, सिलेबस के बारे में, तो वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं, तब तक पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के हर एक वीडियो अब तक पहुँच रहे दोस्तों, इसलिए मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, और अब ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अभी, जो भी एयरपोर्ट में जॉब करने के लिए इच्छुक हैं, उन्हें ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक जॉब रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।